हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके पास काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। उसके पीछे देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सा काम बाकी था वो किया इन दिनों में, और आपको पता है बहुत दिन बाद मैं आई हूँ ये रेसिपी लेकर, मगर डेट श्योर आपकी ये रेसिपी जो है वो आपका दिल ले जाएगी। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो दूध, और इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे फ्रेंड्स। मगर आप सोचेंगे कि कस्टर्ड की जो रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ वो क्यों? इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़े सा क्रीमी है और नट्टी और फ्रूटी है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा कस्टर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने लिया है, देखिए दूध पका लिया है, अमूल की जो ये क्रीम ली है ये हम लेंगे, 2 टेबल स्पून हम लोग इसमें डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो टेक्स्चर होगा वो क्रीमी हो जाएगा, और फिर इसको डालकर पकाएंगे। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हमारी दोनों चीज़ें आएंगी, ड्राई फ्रूट्स भी और फ्रूट्स भी, और क्रीम डालने से फ्रेंड्स इसका आप विश्वास कीजिए इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, एकदम क्रीमी, एकदम खोए की तरह लगेगा आपको खाने में। तो देखिए मैंने इसके अंदर क्रीम मिला ली है, और इसको फिर दोबारा से हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब ये मैं लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स वेनीला का जो है कस्टर्ड पाउडर, मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं ऐसे, तो ये बॉक्स के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ही वनीला वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है। बहुत ही वाटर जैसे होता है ना, माउथ वाटरिंग बनता है ये कस्टर्ड, तो एक बार आप इस स्टाइल से ज़रूर बना के देखिए। अब मैं इसके अंदर दूध डालने के बाद उसको घोल के साइड में रख रही हूँ, और 1/3 कप फ्रेंड्स मैंने चीनी मिलाई है। शुगर है ना, आप अपने हिसाब से हल्का या तेज जैसा खाते हैं, ये मीडियम है जो मैंने बताया आपको। ये कस्टर्ड देखिए दूध घोल कर रखा था, एक साथ नहीं डाला फ्रेंड्स, आधा पहले मिलाइए और फिर आधा डाल के बाद में मिलाइए, नहीं तो फिर फ्रेंड्स क्या होता है लम्स पड़ जाते हैं। देखिए इस तरीके से घोल लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करेंगे इस टेक्निक का, इसको हम दोबारा से फिर उबालेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है हमारा कच्चा ना रह जाए, कच्ची कच्ची जैसे स्मेल आती है ना वो नहीं आनी चाहिए। दूध को फिर दोबारा से हम लोग ये देखिए बॉयल कर लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रेंड, ये है, ये देखिए मलाईदार हो गया, क्योंकि क्रीम हमने डाली थी ना, इस वजह से हमारा जो है दूध बहुत मलाईदार हो गया है। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे, और बहुत ही मैंने थोड़ा चक्कर देखा था, अच्छा बना है, देखिए क्रीमी टेक्सचर है जो उसका क्रीमी हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग अपने टेस्ट के अनुसार ये मैंने डाले हैं अनार, काजू, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो ना घर में लॉकडाउन में, देखिए अगर जो भी अवेलेबल है वो डालिए। मैंने काजू बादाम वगैरह सब डाल दिए हैं, ये 1/2 कप डाले हैं मैंगो क्यूब्स, इसको अच्छी तरह फ्रेंड्स आप मिक्स कीजिए, यकीन कीजिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, पहले मैंने इसको चिल्ड कर लिया था, इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका ये कस्टर्ड, आप एक बार मेरे स्टाइल से बना कर देखिए ना, मज़ा आ जाएगा। और जो हमारी ये लॉकडाउन में जो क्रेविंग होती है ना शुगर वाली, वो तो खैर ख़त्म ही होगी, साथ में भाई हेल्दी वर्जन भी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हैं फ्रेंड्स और फ्रूट्स भी हैं, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपका दिल ले जाएगा फ्रेंड्स ये कस्टर्ड। तो आप मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।